एंगल जो है वो झुका हुआ है, और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो बारिश का पानी है वो रोड पे टिकने ना पाए और सीधे साइड की तरफ बह जाए। ये साइडर्स भी आप देख सकते हैं, पानी के कारण साइडर्स थोड़े से कटे हुए हैं, ये इसी के कारण, क्योंकि रोड पे जो पानी होता है वो बहने लगता है, और इसीलिए हल्की सी ढलान लेफ्ट साइड और राइट साइड दी जाती है। तो ये गाड़ी जिधर भी ढलान पाएगी उधर भागती है, और सारी गाड़ियाँ करती हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई यही स्पेसिफिक गाड़ी है, आप किसी भी गाड़ी को ट्रायल ले सकते हैं, बिल्कुल हर तरीके हाईवे पर, खासकर हाईवे पर यह होता है। सिटी में तो ऐसी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि सिटी में तो जो रोड होती हैं बिल्कुल पैरेलल एक सिंपल 180 डिग्री के आसपास बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें हल्का सा कर्व गाड़ी में दिया जाता है, मैं आपको अभी बिल्कुल दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को, मैंने बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील छोड़ा हुआ है, गाड़ी एकदम ऑटोमेटिक चल रही है, और जिधर जैसे ढलान हो रही है गाड़ी उधर लेफ्ट पुल कर रही है। मैंने गाड़ी से हल्का सा कर दिया राइट साइड में, और गाड़ी ऑटोमेटिक देखिए राइट साइड में ये भागने लगी। मैंने गाड़ी को सेंटर में जैसे कंसोल पे किया, फिर भी गाड़ी राइट भाग रही है, ढलान के कारण होता है। जिधर ढलान गाड़ी पाएगी उधर गाड़ी ऑटोमेटिक भागना शुरू होगी। स्टीयरिंग छोड़ने पर गाड़ी हल्की फुल्की, चूंकि ये बबल होती है, इसकी सस्पेंशन जो होते हैं वो कर्व थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं, और अप एंड डाउन होने के कारण ये ऑटोमेटिक गाड़ी भागती है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, हल्की सी लेफ्ट पुलिंग या राइट पुलिंग आपकी गाड़ी में आपको महसूस हो सकता है हाईवे की रोड के कारण, और आप देख सकते हैं, आप इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लीजिए कि गाड़ी देखिए कि सस्पेंशन इसका काम कर रहा है, गाड़ी बार बार ऊपर और नीचे झुक रही है, ये इसी के कारण होती है, क्योंकि जो गाड़ी के जो रोड्स होती हैं ये गाड़ी के सस्पेंशन उस पर गड्ढे में जाते हैं फिर आते हैं। ये माइनर से बहुत ही गड्ढे होते हैं जो आपको पता नहीं चलते, ये क्लीन हाईवे पर भी होते हैं, चूँकि रोड्स पर लहर दी जाती है, एक हिसाब से रोड्स की जो डिज़ाइनिंग की जाती है ऊपर नीचे की जाती है, ताकि जो पानी होती है ये पानी गाड़ी पे ये रोड पे रुकने ना पाए और ये साइड में चला जाए, जिससे रोड डैमेज होने की शंकाएं कम हो जाए, चांसेस कम हो जाए, और आपको पूरी तरीके से एक सेफ्टी मिल सके, आप गाड़ी चला सके और रोड जल्दी खराब ना हो। ये गाड़ी को मैंने एक्सलरेट किया हाई स्पीड में भी, गाड़ी देखिए आपकी उसी जगह चल रही, हल्की से लेफ्ट पुल हुई, मैंने राइट पुल कर दिया, गाड़ी अब आपकी बिल्कुल उसी जगह पे, फिर ऑटोमेटिक, फिर गाड़ी देखिए कितनी बबल हो रही है, ये इसीलिए क्योंकि रोड्स की डिजाइनिंग ऊपर और नीचे होती है। तो अपने दिमाग से ये मिथ है, इसको बिल्कुल आप निकाल दीजिए, और दिमाग से मिथ निकालने के बाद आपको ये मिथ निकालने के बाद में यही महसूस होगा, गाड़ी एकदम अपनी जगह पे सही चल रही है। और हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, आप सर्विस सेंटर पे कॉन्टैक्ट करें, दे विल गिव यू अ डेमो, दे विल चेक इट एज बिफोर यू, आपके सामने वो बिल्कुल चेक करेंगे, आपको डेमो भी देंगे। बारिश का मौसम बन रहा है, अच्छा खासा मौसम बन रहा है, तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही शेयर करना चाहूँगा। बाकी आप सबके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।